मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूडेज क्लास। प्लीज रेज योर हैंड्स एज यूजुअल, है ना, फटाफट क्विक फास्ट। ओके, कल तक की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था हमने, ठीक है, होल नंबर्स को, ठीक है। उसमें डिस्कस किया था हमने प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखी थी हमने इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर बात कर ली थी हमने इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। यानी हमने अब तक 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात की थी तो हमने उसमें कहा था कि जब कभी भी 2 होल नंबर्स को चाहे किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जाए तो उसका रिजल्ट सेम रहता है, है ना। जब क्लोजर की बात की थी तो हमने कहा था कि जब 2 इंटीजर्स को या 2 होल नंबर्स को, सॉरी इंटीजर नहीं, होल नंबर्स को जब आपस में ऐड करेंगे तो हमेशा हमें एक होल नंबर ही मिलता था। बट वही बात हमने जब कम्यूटेटिव में बात की तो उसमें हमने कहा 2 नंबर थे उसको चाहे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, उसका रिजल्ट क्या रहता था, सेम रहता था, है ना। अब अगर मोर देन 2 नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। उससे पहले एक थिंग और कि हमने ये बात भी की थी कि क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में केवल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही 2 ऐसे पार्ट थे जो फुलफिल हो रहे थे, जिनमें LHS RHS दोनों आंसर सेम आ रहे थे, है ना। यानी इक्वल से पहले वाला पार्ट और इक्वल के बाद वाला पार्ट आपस में सेम आ रहा था, तो हम लोग केवल और केवल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन का पार्ट हम सॉल्व आउट नहीं करेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब मैंने आपको ये कहा कि इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दिया जाए, और ऐड करते समय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ हमारे पास 2 होल नंबर्स हुआ करते थे, अब हमारे पास होल नंबर्स हो चुके हैं 3। तो मान ले पहले मैंने बी में सी को ऐड किया, फिर ए ऐड करूं, या फिर ए प्लस बी पहले करूं और उसके बाद सी करूं, आंसर सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी जब 3 और मोर देन 3 नंबर्स को चाहे किसी भी ऑर्डर में आपस में क्या कर लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, तो उसका आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। चलो एक एग्जाम्पल लेके बात करें इसको। मान लिया ए को लिखा मैंने 5, बी को लिखा मैंने 11 और सी को लिख दिया मान लिया मैंने 3। यहाँ ए को रिप्लेस किया 5 से, बी को रिप्लेस किया 11 से और सी को रिप्लेस कर दिया मैंने 3 से। यानी मेरे इस केस में मेरा ए जो था वो 5 के इक्वल था, बी अपना 11 के इक्वल है और सी अपना 3 के इक्वल है, ठीक है। वैल्यू पुट की हमने, आंसर निकालने की कोशिश करें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉड मास का रूल्स आपने पढ़ा हुआ है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 11 प्लस 3 मिलके बन गए आपके 14। ये 5 का 5 रहा, इधर देखो, इधर पहले 5 और 11 ऐड होंगे तो बनेगा 16 प्लस 3। 14 में 5 ऐड करेंगे तो भी 19 बनेगा, और 16 में 3 ऐड करेंगे तो भी 19 बनेगा। 19 19 तो आपस में नो डाउट इक्वल ही होते हैं। यानी हमने होल नंबर्स को चाहे किसी भी सीक्वेंस में जाके ऐड किया, किसी भी ऑर्डर में ऐड किया, तो उनका रिजल्ट क्या रहता है, सेम रहता है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस टाइप का। यानी आज हमारा टारगेट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ इस चैप्टर यानी होल नंबर में जितनी भी प्रॉपर्टीज क्लियर हो रही है, सारा प्रॉपर्टी वाला पार्ट क्लियर करें ताकि नेक्स्ट डे से अपने इसकी एक्सरसाइज पर पहुंच सके। चले देखा, लिखा मान लिया मैंने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। आप चाहे तो उसको पहले लिख दो, उसको बाद लिख दो, डजंट मैटर। चलो ए को रिप्लेस किया मैंने 7 से, बी की जगह लिखा मैंने 50 और सी को लिखा 7 की जगह मैं कर देता हूं 9 इज इक्वल्स टू वही 7 प्लस 50 प्लस 9। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 50 और 9 59,
57 प्लस 9 ये हो गया 9 और 7 16 तो 66 और ये भी बन गया 66। क्या मेरा LHS RHS के इक्वल है? 100% इक्वल है। ये थी हमारी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो क्या मल्टीप्लिकेशन भी काम कर सकती है? 100% काम करेगी। तो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी वही रहेगी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है चले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन बी पार्ट है इसका फॉर मल्टीप्लीकेशन। चलो ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। वही पेयर्स बना दिए जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एडिशन पार्ट में देखा था। हमने पेयर्स बनाए थे ए बी प्लस सी का बनाया था और यहाँ ए प्लस बी का बनाया था। बस प्लस के साइन की जगह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। चलो एग्जांपल लेके देखिए इस चीज को कैसे फुलफिल होती है ये बात। मान ले ए को रिप्लेस किया 7 से, बी को रिप्लेस किया 5 से और सी को रिप्लेस किया 6 से। यानी इस केस में मेरे पास ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 5 और सी इज इक्वल टू 6 गिवन है। चलो ए को किससे रिप्लेस करेंगे कि 7 से, बी को किससे रिप्लेस करेंगे कि 5 से और सी को किससे रिप्लेस करेंगे कि 6 से। कर दिया अकॉर्डिंग टू बॉडमास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 का 7 6 5 जा 30। मैं दोनों पार्ट यानी LHS पार्ट RHS पार्ट दोनों एक साथ सॉल्व आउट कर रहा हूं। आप चाहो तो पहले LHS का सॉल्यूशन निकाल के फिर RHS को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों के सेम ही रहेंगे। चलो आपके लिए मैं पहले LHS पार्ट को सॉल्व करता हूं। मैंने इक्वल के पहले वाला पार्ट लिया, 6 को 5 से किया 30, 37 से करेगा 37 जा 21, पीछे 0 यानी आंसर मिला मुझे 210। सेकंड यानी RHS पार्ट देखें, पहले 7 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 7 5 जा 35 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 जा 30 का 0 कैरी लग गई 3, 6 3 जा 18 और 321। यानी मेरा LHS RHS दोनों केस में क्या रहता है? सेम रहता है। यानी ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के टू पार्ट्स, फर्स्ट एडिशन सेकंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है सब्ट्रैक्शन और डिवाइड वाला पार्ट आपके सिलेबस में भी नहीं है और वैसे देखा जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वर्कआउट भी नहीं करता। अब एक स्पेशल केस लगता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है और दो तीन नाम लंबे चौड़े हैं मिले हुए हैं आपस में, लिखते हैं प्रॉपर्टी नेक्स्ट नंबर 4th है शायद अपने अकॉर्डिंग। लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यानी देखो अब तक तो हमने जो प्रॉपर्टी यूज की थी एसोसिएटिव उसमें या तो एक बार में मल्टीप्लाई का यूज किया था या फिर हमने केवल एडिशन का यूज किया था। अब इस जगह पर हम कॉम्बिनेशन करते हैं मल्टीप्लाई और एडिशन को साथ साथ ऐड करते हैं। चले लिखा मान लिया ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई विद बी प्लस सी करें मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ए करेगा बी से मल्टीप्लाई, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करते क्या बनेगा? नो डाउट ए बी बनेगा। फिर ए मल्टीप्लाई करेगा अपना सी से, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करते बनेगा अपना ए सी। मिडल साइन प्लस का था तो प्लस लगा। प्रॉपर्टी का नाम क्या था? डिस्ट्रीब्यूट करना था यानी बांट देना था, बांट दिया। देखो मैंने ए को बी के साथ भी बांट दिया और ए को सी के साथ भी बांट दिया। मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लाई का साइन था, तो ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया और ए को सी से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओवर एडिशन था यानी ये मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? एड करेंगे।
चलो लेते हैं इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल। मान ले लिखा मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय बी को रिप्लेस किया 21 से और सी को रिप्लेस किया मैंने 7, यानी इस केस के अकॉर्डिंग मेरा ए बना 5, बी इज इक्वल्स टू 21 और सी इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है? अब क्या करना था, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। करंट डिस्ट्रीब्यूट तो 521 के साथ जाएगा, क्यों? क्योंकि ए बी के साथ मल्टीप्लाई करा है ना, यानी यहाँ क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 21। क्लियर है? चलें, फिर 5 किसके साथ जाएगा 7 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एलएचएस के बारे में, एलएचएस पार्ट यानी इक्वल से पहले वाला पार्ट। ठीक है, तो 5 का 5 रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन सेम एज है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 21 प्लस 7 मिलके बनता है 28। क्लियर? 28 को कर दी 5 से मल्टीप्लाई, तो करें मल्टीप्लाई 58 जा 40 का 0 कैरी लग गई 4, 5 टू जा 10 और 4 14, तो 140। क्लियर है? हमने ऐसे करके देखा तो भी आंसर 140 आया, तो क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद का रिजल्ट क्या रहेगा? तो ये रहा देखो, पहले 521 से मल्टीप्लाई करेगा, 51 जा 5, 5 टू जा 10, 105। आप चाहो तो साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 जा 35, कर दे दोनों को ऐड तो ये भी बनेगा 140। यानी जो मेरा एलएचएस का पार्ट था वही मेरा आरएचएस का पार्ट है, यानी दोनों पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर है? एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, कोशिश करेंगे कल से नहीं तो मंडे से आपकी क्लास को इंटरेक्टिव क्लास बनाने की, यानी जैसा आपने रेगुलर स्कूल में क्लास में होता था कि आपके क्वेश्चंस वहीं पुटअप होते थे, वहीं इनके सॉल्यूशन निकाल दिए जाते थे। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाउट्स कोई क्वेरी होती है तो वही सेम थिंग्स नेक्स्ट डे की क्लास, या तो मे बी पॉसिबल है सैटरडे यानी कल की क्लास से, अदरवाइज मंडे की क्लास से हम लोग आपकी क्लास को भी इंटरेक्टिव कर देंगे। ठीक है, ओके, ताकि आपके डाउट्स वहीं हैंड टू हैंड सॉल्व आउट हो जाएंगे। चलो इसी एग्जाम्पल क्वेश्चन को एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मैं यहाँ बोर्ड पे करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ आप घर बैठ के इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर मैच करते हैं अपने आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। मान लिया मैंने ए को रिप्लेस किया 4 से, बी को रिप्लेस किया मैंने 17 से और सी को रिप्लेस किया मैंने 5 से, यानी ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू 17 और सी इज इक्वल्स टू 5। करें पुट वैल्यू, तो यहाँ a मल्टीप्लाई बाय b था ना, a कितना था अपना 4, किससे मल्टीप्लाई करेगा 17 से, प्लस a कितना था 4 मल्टीप्लाई करेगा 5 से। अब देखो यहाँ गचर पचर हो गई है ना, क्वेश्चंस के साथ साइन बहुत सारे लग चुके हैं, तो पहले इन दोनों साइन को फिर इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास बॉड मास का रूल है ना, वो कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो। बट उससे पहले सबसे बड़ी मेन थिंग की बात है, अपना ब्रैकेट पहले सॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ इस फॉर्मूले में अगर मैं बात करूं तो देखो 4 का 4 रहेगा, ब्रैकेट में दोनों वैल्यू एड हो रही है, 17 और 5 टूगेदर 22। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहा कि हम पहले आपको एलएचएस पार्ट सॉल्व करवाएंगे, तो एल एच पार्ट अगर सॉल्व करते हैं तो 22 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 यानी 88 बन जाता है। ठीक है, क्या एल एच एस में आया हुआ आंसर मेरे आर एच एस के आंसर के इक्वल है, चेक करें। तो देखो पहले 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया, अगर किसी को 17 की टेबल आती है तो बेटर है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं तो अभी तो आप भी वर्क फ्रॉम होम ही हो है ना, तो आप लोग भी क्या करोगे घर पे टेबल्स की तैयारी करोगे। 17 4 जा 68, 5 4 20, कर दे इन दोनों का मिलान और मिलान करते बना 88, यानी मेरा LHS पार्ट RHS पार्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। LHS पार्ट मेरा RHS पार्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलें यहां तक आई थिंक सब कुछ सबके क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लेके चलते हैं हमें।
अब बात करेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की है, क्योंकि हमने इससे पहले जो क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई, एसोसिएटिव लगाई, कम्यूटेटिव लगाई, वहां हमने सब चीजों में एक चीज देखी कि होल नंबर्स के लिए हमारे पास सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही वर्कआउट करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड वाला पार्ट काम नहीं करता है अपना, है ना। यानी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो पाती है तो हम उन प्रॉपर्टी का यूज भी नहीं कर रहे हैं आगे के लिए। हाँ, बट नेक्स्ट ईयर जब क्लास सेवंथ में जाओगे आप लोग, तो वहां जैसे हमारे पास इंटीजर्स आएंगे, हम लोग वहां उन प्रॉपर्टी का भी यूज करना स्टार्ट कर देंगे। चलें देखते हैं अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं अगर मैं एडिशन के रिगार्डिंग, तो एडिशन में ये क्या प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी नंबर में जीरो को ऐड किया जाए या जीरो में किसी भी नंबर को ऐड किया जाए, आंसर मेरा वो गिवन नंबर ही होता है, है ना। When number is added with zero or zero is added with a number, also result is equals to a given number, है ना। यानी अगर मेरे पास कोई भी नंबर दे दिया, मान ले मैंने 15 दिया आपको, और 15 में जीरो प्लस करूं या जीरो में 15 प्लस करूं, आंसर मुझे 15 ही मिलेगा। यानी आंसर मेरा क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है, आंसर मेरा क्या रहता है, सेम रहता है। यानी जब मैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करूंगा किसके लिए, एडिशन के लिए, तो उस कंडीशन में हमेशा किसको ऐड करेंगे, हम लोग जीरो को ऐड करेंगे। बट वही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करूं, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर मैं किसी भी गिवन नंबर को वन से मल्टीप्लाई करूं या फिर वन को मल्टीप्लाई करूं किसी भी नंबर से, तो मुझे गिवन नंबर ही मिलता है। नंबर को वन से मल्टीप्लाई करूं या वन को नंबर से मल्टीप्लाई करूं, आंसर मुझे वो गिवन नंबर ही मिलेगा। जैसे मान लिया मैंने 16 को मल्टीप्लाई किया वन से, या वन को मल्टीप्लाई करूं 16 से, आंसर मुझे 16 ही मिलेगा। हमने यहां बात ये नहीं कही है कि आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो को केवल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में यूज करते हैं केवल एडिशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन ही काम करेगा, सिर्फ वन ही काम करेगा, ठीक है, क्लियर है बात। चलो लास्ट में चलते चलते इस प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो फॉर डिवीजन। देखो अगर मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करूंगा, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करूंगा, तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, है ना। यानी नॉट डिफाइन। वही अगर मैं जीरो को डिवाइड करूंगा किसी भी नंबर से, तो आंसर मिलेगा जीरो। यानी मैं अगर यूं लिखता हूं, टेन अपॉन जीरो, इट मीन्स नॉट डिफाइंड। मैं इसको बता नहीं सकता कि इसका आंसर मेरा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अगर मैं जीरो को टेन से डिवाइड करूंगा तो 100% करूंगा, जीरो लाऊंगा आंसर, ठीक है। सेम एज अगर मैं ए को डिवाइड करता हूं वन से, तो आंसर मेरा ए आएगा, और अगर मैं वन को डिवाइड करता हूं ए से, तो आंसर आएगा वन अपॉन। कैसे, देखो मान ले लिखा मैंने 23 अपॉन 1, वन की टेबल में 23 आता है 23 टाइम, है ना, और वही ऊपर 1 लिखा नीचे 23 लिखा, तो अपना आंसर भी 1 अपॉन 23 होगा, जो कि एक क्या होगा,
प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होगा। फ्रैक्शंस आपके अभी तक सिलेबस में आए नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे अभी उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं हम लोग आपकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों को कंबाइंड करके, 2.1 और 2.2 दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। आपको जो पीडीएफ मिलेगी तो भी 2.1 और 2.2 का पार्ट एक साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आपको बुक एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, शायद अब तक पता चल चुका होगा, है ना, क्योंकि आपको पहले भी चैप्टर्स जो प्रोवाइड करवाए गए थे वो मैंने खुद ने पीडीएफ बना के दी थी। आपको असाइनमेंट्स भी मेरे द्वारा ही दिए गए थे। आपको कॉपी वर्क में भी सिर्फ उतना ही वर्क करना है जो आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिलता है। पेपर का लेवल भी शायद कल के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा आपको कि किस टाइप के पेपर्स बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना वर्क हम लोग क्लास में करेंगे पेपर्स का बेस भी उसी का होगा। हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि उस क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू को बदल दिया जाए, स्टेटमेंट्स बदल दिए जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। और जितना अपने बुक के बाहर की सोचेंगे अपनी मैथ ऐसे स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। चले देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं जो हमने बहुत पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की रिगार्डिंग बात करूं, एक्सरसाइज का बेस रहेगा 2.1 एंड 2.2, दोनों एक साथ साथ कंबाइंड करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि तो कुछ पार्ट मेरा 2.1 का है, 2.2 का भी पार्ट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अगर आपकी बुक की एक्सरसाइज को देखेंगे तो दोनों के पार्ट आपको मिल जाएंगे आराम से। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ सक्सेसर और प्रीडिसेसर की बात की थी, है ना, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। दोनों की बात की थी तो फर्स्ट क्वेश्चन भी उसी का पुट करते हैं। मैंने इसमें दिया सक्सेसर 1, 2, 3, 4, 5। आप अपनी कॉपी में आंसर्स निकालो इसके, ठीक है, फिर टैली करना मेरे से। मान लिखा मैंने 2, 4, 4, 0, 7, 0, 9, 3, 2, 0, 1, 4, 0, 0, 9, 2, 0, फिर लिखा मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 और लास्ट वन लिखा मैंने आपके लिए 9, 9, 9, 3, 2, 9। ये 5 क्वेश्चन है आपके पास। इन 5 क्वेश्चन में सबके सक्सेसर और प्रीडिसेसर दोनों फाइंड करके रखो अपनी कॉपी में। आपके पास 1 और 2 मिनट्स का टाइम है। मैं यहाँ 2 ब्लॉक डालता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक मेरा सक्सेसर का रहेगा, सेकेंड ब्लॉक मेरा प्रीडिसेसर का रहेगा, ताकि एक साथ ही अपने 2 टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। फटाफट जितना जल्दी हो सके, फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 4, 0, 7, सेकंड वन इज 9, 3, 2, 0, 1, थर्ड वन इज 4, 0, 0, 9, 2, 0, फोर्थ वन इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 और फिफ्थ एंड लास्ट इज 999, 3, 2, 9। क्विक फास्ट, फर्स्ट कॉलम सक्सेसर, सेकंड कॉलम प्रीडिसेसर। आज की क्लास को मैंने थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की है, ताकि बातचीत तो नहीं हो बट आपको टाइम पीरियड मिले आपकी क्लास अटेंड करने के लिए, ठीक है। बट नेक्स्ट डे यानी मैंने आपको टाइम दिया है मंडे का, कि मंडे से आपकी क्लास 100% इंटरेक्टिव होगी, ठीक है। मैं आपसे बात करूंगा, जैसे अभी क्वेश्चन लिख के दिया है आपको, क्वेश्चन लिख के देंगे, सॉल्यूशंस भी आपसे पूछेंगे, आप मेरे से बात कर सकोगे रनिंग क्लास में, ठीक है। चले देखो फर्स्ट बात करते हैं सक्सेसर। सक्सेसर मींस क्या था, प्लस 1, और प्रीडिसेसर मींस था माइनस 1, है ना, यानी गिवन नंबर में प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो। देखो प्लस 1 करते तो क्या मिलेगा हमें, 2, 4, 4, 0, 7, 1 और माइनस करते बनेगा 2, 4, 4, 0, 6, 9। आंसर चेक करते चलना साथ साथ, कहीं किसी के कोई गड़बड़ हो तो उसको सेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट में मिला देखो 9, 3, 2, 0, 2, प्लस 1 करते ही माइनस 1 करते मिला 9, 3, 2, 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लस 1 किया तो आया 4, 0, 0, 9, 2, 1 और सब्ट्रैक्ट किया तो बना 4, 0, 0, 9, 1, 9। फिर फोर्थ क्वेश्चन मिला प्लस 1 करते ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1
और सब्ट्रैक्ट करते ही 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9, ठीक है। नेक्स्ट मिला हमें 9, 9, 9, 3, 3, 0 और 1 माइनस करते मिला 9, 9, 9, 3, 2, 8। आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आंसर सही आ चुके होंगे। अगर आंसर सही है तो एक बार स्क्रीन पे हैंड रेज कर दो ताकि हैंड रेज तो मुझे दिख रहे हैं आपके कि कितनों ने आंसर सही किया है, कितनों ने गलत किया है। ओके राइट, नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना कि गिवन टू नंबर्स है हमारे पास, कोई भी दो नंबर गिवन दे दिए और हमें पूछा इनके बीच कितने होल नंबर्स थे। तो पहले तो नॉर्मली करेंगे, फिर उसका एक फॉर्मूला भी जनरेट करेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा मान लिया मैंने, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 and 53। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स अवेलेबल है। तो सिंपल सी बात है, होल नंबर्स बिटवीन 32 and 53, जिसमें हमने ना तो 32 को काउंट करना है ना ही 53 को काउंट करना है, ठीक है। चलें तो मिडल के नंबर लिख लें इसके बीच के, तो 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा लगा हमें, है ना। क्या इसका कोई अल्टरनेट मेथड है हमारे पास इसका यूज करके हम संख्याओं को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा कन्वर्ट कर सके। कोई है ऑप्शन आपके पास इसमें हमें कुछ ऐसा मिले कि जिसको हम सॉल्व करके आंसर छोटा बना सके। हो तो अपने पास सोच के रखो। लगा कुछ? देखो इसी सॉल्यूशन से आंसर निकालते हैं इसका। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने नंबर मिले हमारे पास? 20 नंबर्स। मिले हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं उसको मैं। लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, पहले लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद उसमें से भी हम क्या कर देंगे, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो लार्जेस्ट नंबर कितना था, 53, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 32 को, जो आंसर आएगा उसमें से वन माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। 53 में से इसको लेस किया 21, 21 में से वन सब्ट्रैक्ट किया 20, यानी 21 - 1 = 20 आंसर। यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को हमने माइनस कर दिया, ठीक है, और उनमें से हमने क्या कर दिया है, वन और माइनस किया। क्लियर, लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट को माइनस करना है और उसमें से भी वन माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब हमने लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस किया तो लार्जेस्ट को काउंट नहीं किया, बट हमने स्मॉलेस्ट को काउंट किया था,
किया था तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें उस नंबर को काउंट करना नहीं है, हमें उस नंबर को काउंट करना नहीं है, इसलिए हमने माइनस वन और कर दिया। ठीक है, तो ये तो था सिंपल सा प्रोसेस, वो जहां हम लोग सारे नंबर्स लिखेंगे। वो नंबर्स कब तक पॉसिबल है, जब तक 20-30 तक पहुंच जाए, बट अगर मोर देन नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट वन माइनस करके और उसमें से भी वन क्या कर देंगे हम लोग 100% सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चले अभी है हमारे पास टाइम, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड है हमारे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पर। क्वेश्चन मिलता है हमें नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ गिवन बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट यानी रीअरेंज करना है और हमें इसका आंसर निकालना है। जैसे मान ली मैंने क्वेश्चन लिखा 837 प्लस 208 प्लस 363, कि उसको अरेंज करना है। देखो ऐड तो करना ही है, ठीक है, ऐड करने का मतलब हम किसी भी मैनर में ऐड करें आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाली बात नहीं है। बट हमने एक बात की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि चाहे डाटा को यानी किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जाए आंसर सेम रहता है ना, यानी हमें इस कंडीशन में ऑर्डर ही तो बदलना है अपना, बदले ऑर्डर को। अब देखो ऑर्डर में बनाने पड़ेंगे पेयर, यहाँ पीछे कितना है 7, इसके पीछे कितना है 3, 7 और 3 मिलके बनते हैं 10, यानी इन दोनों का पेयर बना देते हैं। इजी एडिंग कैसे हो सकती है, तो देखो 837 प्लस 363 में ऐड करें 208 को, 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, 8 और 4 12, आंसर आया 1200 प्लस 208। आपको चाहिए तो आप साइड में ऐड करके देख सकते हो, इसको मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है, 7 3 10 का 0 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1 और ये 12। ठीक है, अब इसको ऐड कर दें, ये लो देखो 208 को ऐड किया 8041, यानी आंसर मिला हमें 1408। कल बात हो रखी थी अपने कि जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आप लोग चाहें तो एक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना,